Hey, good morning guys, welcome back to the channel. Today is Wednesday और guys काफी दिन से क्या चलो guys अभी तेरा बाहर चलते हैं, रूम से निकले हैं सुबह सुबह टाइम मैं बताया था क्या हो गया है. टाइम हो गया 9:25. हमारा तो कुछ है नहीं. उनके हमारे में नहीं है, उनके में ही है. चलो कोई नहीं, चलो गाइस चलते हैं और सुबह सुबह निकल गए ऑफिस के लिए. गैस वाला हाँ दे देना और क्या, सही काम आ जाएगा हमारा तो. नहीं मेरे पे टोस्टर था पहले, वो मैं घर छोड़ आया. मेरा नया आ गया तभी पूछे कि पुराना तो मैं दे दूँ. चलो देख लेंगे वो तो. तो गाइस सुबह सुबह निकल गए ऑफिस के लिए और आज गाइस थोड़ा सा लेट है और काफ़ी बिजी चल रहे हैं, इसलिए ब्लॉग ब्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि ऑफिस से गाइस आके थकान हो जाती है तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं. बहुत लोड है भाई. बहुत लोड है. 9:30 बजे आप ऑफिस जा रहे हो है चश्मा लगा के. तो गाइस देखो यहाँ से वैसे तो 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है जहाँ हमारा रूम है, लेकिन सेक्टर 22 बी है गाइस ये पूरा. भगते नहीं है गाइस अभी, जैसे धूप हो गई है ठीक है. अगर सुबह सुबह निकलते तो हम चले आते पैदल ऐसे चिल करते हुए, लेकिन सामने से हम पकड़ लेंगे टमटम गाइस. टमटम बोले तो ई रिक्शा गाइस. तो अभी चलते हैं ऑफिस और मिलते हैं आज बाद में आपसे. हम यहाँ पे आके खड़े हुए हैं, हमारा रूम और सामने वाली गली में गाइस, वो सेक्टर 22 बी का गेट नंबर 1 है ना वहाँ पे. तो यहाँ पे अभी हम ई रिक का वेट कर रहे हैं गाइस और ये तो खड़ी हुई है लेकिन ये जा नहीं रहे भाई. तो यहाँ पे देखो गाइस बहुत सारे लोग खड़े हैं जो ई रिक्शा का वेट कर रहे हैं. जहाँ तो हम पैदल भी सकते हैं लेकिन धूप इतनी भी नहीं है, लेकिन हमारा मन नहीं हो रहा चलने का गाइस क्योंकि हमारी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है. देख आ गई आ गई, इससे पूछ ले आ गया, इससे पूछते हैं गाइस. देख इंदौर पे जाओगे इंदौर जाएगा. ठीक है फाइनली ऑफिस पहुँच गए और आईडी कार्ड वगैरह हमने पहने रखे हैं तो बैग से निकालने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ी थोड़ी धूप हो गई है भैया, तबीयत ख़राब में आने का जी नहीं करता भाई. हाँ ले ले सक लीव. चलो गाइस बैग चेक हो गया, अभी चलते हैं. यहाँ से भी गाइस काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस है. यहाँ से गाइस एक दिक्कत है, एंटर तो गाइस इनकी इधर से है लेकिन जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना आपको वो वाली, वो जो सामने दिख रही है इसके पीछे से एंट्री, इधर से एंट्री नहीं है गाइस, तो बहुत लंबा चल के जाना पड़ता है. तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे रचित भाई? ये जो इधर से मेन एंट्रेंस के सामने जो बैक गेट है आर्किटेक्चर की कमी है गाइस. अगर आ जा रहे हैं हमारे हर्षित भाई तो इन गाइस चलते हैं ऑफिस. 935 पे पहुंच गए और मिलते हैं बाद में आपसे आगे. अभी क्या है, हम लोग गए थे टावर 9 में पीछे की तरफ क्योंकि मेरा तो आईडी कार्ड आ गया था परमानेंट वाला, भाई का नहीं आया था. तो भाई का आईडी कार्ड को रिक्वेस्ट करे हुए 10 दिन हो गए गाइस, अभी तक नहीं आया. मेरा आ गया, मैंने इसके बात करा था मेरा आ गया. तो डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है. अभी मेन तो हम बैठे हुए अपने टावर 7 में, मेरा ग्राउंड फ्लोर है, भाई का 3rd फ्लोर. पता नहीं भाई कहीं भी बैठ जाते, मतलब कहीं भी बैठ सकते हैं लेकिन चिल सीन है गाइस. वैसे तो स्टार्टिंग में सही सीन करो एसेंचर में आओ भाई, बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब कॉन्ग्रेजेंट तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ये कहना चाहूँगा साफ साफ. सही बात तो ये है. तो अभी चलते हैं अंदर और मिलते हैं बाद में आपसे आगे. अभी हम लोग कैफेटेरिया आके बैठ गए क्योंकि सुबह सुबह हमने ब्रेकफास्ट तो किया नहीं था, क्योंकि यार देखो किचन विचन तो सेट हो गई, बस उसमें सामान सेट करना बाकी है जिसमें हमें आ रहा है बहुत सारा आलस. कोई तैयार नहीं है राशन लाने के लिए, थोड़ा बहुत पड़ा है लेकिन अभी थोड़ा सेट करने में टाइम लगेगा, इसलिए अभी अपन आ गए कैफेटेरिया 9:49. ऑर्डर करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और मिलते हैं बाद में आपसे आगे. तो गाइस हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, हमने क्या क्या ऑर्डर करा है. एक पोहा, एक आलू प्याज पराठा, 2 जिंजर टी मात्र 98 रुपीज़ की. इसमें गाइस 2 जनों का पेट भर जाएगा, 2 जनों का, सोच सकते हो कितना सस्ता है. परफेक्ट गाइस मैं आपको ना खाने की क्वांटिटी दिखाता हूँ, ये सिर्फ 34 रुपए के पोहे गाइस, सिर्फ 34 रुपीज़ के, और ये 2 चाय गई 10-10 रुपए की. और अभी आलू पराठे तो हमारे आए नहीं है गाइस, अभी देखो क्वांटिटी देखो, इसमें 2 लोगों का पेट भर जाता है इतने सारे. अभी आलू पराठे आने दो गाइस, वो भी दिखाते हैं आपको. चाय कैसी है? ये 2 आलू पराठे हैं जो कि सिर्फ 42 रुपीज़ के, में दही बटर हमने अंदर दबा दिया दोनों के बीच में और अचार, मात्र 42 रुपीज़ के गाइस. बाकी 100 रुपये में ये सब कुछ है गाइस, ये सब कुछ जिसमें से हम ये खा चुके हैं. अब लोग टावर 9 से निकल गए खा पी के, अभी हम लोग जा रहे थे टावर 7, लेकिन उससे पहले ना गाइस हमें हो रहा है जुकाम, मतलब दोनों को हो गया, इसके चक्कर में मुझे हो गया. अच्छा खासा मैं ठीक था, मैं कह रहा दूर रह पूरे दिन साथ घूमेगा, लग गया जुकाम. अभी क्या जा रहे हैं यहाँ पे गाइस मेडिकल स्टोर है, वो वहाँ से मेडिकल स्टोर से मेडिसिन वगैरह लेते हैं, कुछ तो लेना पड़ेगा ना गाइस क्योंकि इतने नहीं है, वैसे ही वायरल टाइप का जो थोड़ा बहुत चल जाए ना मौसम चेंज होने की वजह से वो है. तो
तो ये कहीं वैसे टावर 6 टावर 7 के आगे हम जा रहे हैं, अदर अपोलो करके है यहाँ पे मेडिकल स्टोर, वहाँ से दवाई वगैरह ले लेते हैं। जी ये है कुछ सामने ही मेडिकल स्टोर है, 24/7 वगैरह है यहाँ पे। और गाइस ये वाला ना इलाका बहुत प्यारा है, इसे आज दिखा दे ब्लॉग में, इसके लिए ना अलग से शूट करेंगे, गाइस इसके लिए ना अलग से कैंडो का टूर बनाएंगे, ठीक है, सैटरडे को आ जाएंगे आपके लिए। गाइस यहाँ का इतना प्यारा एम्बियंस वगैरह है ना, इसका गाइस हम आपको अलग से दिखाएंगे क्या सीन है। 17 अक्टूबर से पहले पहले करना पड़ेगा, लेकिन 17 अक्टूबर को आ रहे हैं बच्चे, पहली क्या डेट हो गई आज, 11 है ना, 11 कल बना लेंगे, देख लेंगे जो भी सीन होगा। लेकिन आपको अबे एडिट करके डालने भी तो है, वैसे मंडे मंडे का होगा ना 17, तो 2-3 पहले भी पेंडिंग पड़े ना वो भी डाल लें। तो गाइज हम आपको दिखा देंगे ये, ठीक है, इसका तो बहुत ही प्यारा एम्बियंस है। गाइज अभी चलते हैं अपोलो से मेडिसिन वगैरह लेते हैं। ये ले लिया हमने दवाई अपोलो फार्मेसी से, यहीं पे गाइज यहाँ पे सब सुविधा है सब, और इधर तो इतनी सुविधा है ना गाइज, ये तो मतलब दिखाने का मेरा तो मन बहुत तेज हो रहा है, लेकिन मैंने कहा ब्लॉग के लिए रुक रखा है, बस इसे अगले ब्लॉग में दिखाते हैं, जल्दी करते हैं ऐसा काम भी। तो गाइज अभी चलते हैं अपने इंडोर और मिलते हैं। अभी टाइम देखो क्या हो गया है, टाइम हो गए गाइस 3, और अभी हम तब से अंदर बैठे हुए थे, आज सबसे लंबा बैठे हैं गाइज हम, हाँ जी सबसे लंबा बैठे हैं हम, वह नाश्ते कितनी देर बैठ रही है हम। एक्चुअली क्या है ना गाइज, कुछ जो स्टार्टिंग के मैंडेटरी कोर्स वगैरह होते हैं ना वो सब कंप्लीट कर रहे थे, तो वो हो गए हमारे ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत बचे हैं। अभी हमने लंच वंच किया, आज अंदर ही हो जाता है, अंदर गाइज शूटिंग अलाउड नहीं है, बस कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन रेगुलर करेंगे ना तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए बहुत कम करते हैं। अभी क्या सीन है, हर्षित भाई की एक दोस्त है, कौन है दोस्त भाई, तो भाई दोस्त है बोला है, हर्षित भाई की दोस्त है की नहीं, हर्षित भाई का दोस्त है बोला है मैंने, मिल गया, चलो गाइस वो मिल गया, उससे मिलने जा रहे हैं, वो भी यहीं अपने इसी कैंडोव में है। गाइस धूप देखो यार, शिट 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 शिट, फाइनली दोस्त चला गया भाई का, कौन सी कंपनी में था, कैलॉन, कैलॉन कंपनी में लगाई थी, इसी कैंडोर में है। तो अभी अबे हवा कैसे चल रही है इतनी तेज, यही तो मजा है गुड़गांव का, गुड़गांव का नहीं ऐसे घर का, तो वैसे भी चलते हैं, देखो हवा ही चल रही है, लेकिन धूप भी है सामने बहुत तेज, गाइस आवाज नहीं आ रही होगी, आवाज आ रही होगी फुल हवा की, तो कैसे भी चलते हैं करके बता देना गाइस आवाज आ रही है, पता है भाई ये चीज होती है ना, तुम जिस चीज पे कमेंट करोगे ना उसी चीज पे कमेंट नहीं आते, बाकी हर चीज के कमेंट आते हैं। तो गाइस अभी चल रहे हैं अंदर और मिलते बाद में, अबे कौन सी वेब जूतों में से हवा पार हो रही है अंदर, चलो गाइस। वैसे कल से हमारी जो मेन ट्रेनिंग है टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग, मतलब मेरे को डॉटनेट अलॉट हुई तो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए रूम वगैरह देखने गए थे कि जो लोकेशन आई है वो कहाँ पे है, तो कल से गाइस हम बैठेंगे टावर 9 में, यही लोकेशन आई है यही देखने गए थे, अभी चल रहे वापस जहाँ पे बैठे टावर 7 में। इज फाइनली डन विद द ऑफिस, और आज का दिन भाई जो गया है ना कितना ऑफ द बेस्ट डे ऑफ माय एडवेंचर है गाइस, क्योंकि गाइस हमारी कल से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है जो मैंने बता दी, और हमें गाइस सुबह 8:30 से 5:30 बजे तक बैठना पड़ेगा, जिसमें हमारी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होने वाली है गाइस, हमारे बस के लिए इतनी लंबा बैठना, लेकिन बैठ जाया करेंगे गाइस, देखते हैं कुछ अल्टरनेटिव। एक तो हमारी जो ट्रेनिंग वो इन पर्सन है, वर्चुअल नहीं है, तो इन पर्सन वालों को तो बैठना ही पड़ेगा, ट्रेनर आके पढ़ाया करेगा, तो इसलिए सोच रहे हैं कैसे चिल मारेंगे गाइस हम, लेकिन हम तो जुगाड़ ढूंढ ही लेंगे, आपको बताते रहेंगे। अभी चलते हैं रूम पे, आपके चिप में अपडेट देते रहेंगे, अभी चलते हैं गाइस रूम पे, मिलते हैं आपसे आगे। हम अपने रूम पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, वो सामने अपना रूम है, कुछ भी नहीं है, तो नहीं है कुछ, वहां से उठा ला चीनी ले ले, और हल्दी के दूध में चीनी मिलाते हैं, पिता को पिया भी नहीं जाएगा, हाँ ये भी है। तो गाइज मैं बता रहा था आपको कि 5:43 हो गए, हम कितने बजे निकले थे वहाँ से, गाइज हमें याद दे, देखो पीछे मैंने टाइम दिखा दिया तो वो देख लेना, बस इतना पास रूम, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन करा, ये अपना रूम सामने टॉप फ्लोर, यहीं पे अपना रूम है गाइज, चलते हैं और चेंज करके गाइज रेस्ट करते हैं। गाइज अभी हम यहाँ पे आके बैठे हुए थे, और गाइज हमारा चल फ्लैश ऑन करता हूँ गाइज पहले, हाँ हमारा चल रहा राशन दिखाओ गाइज को जरा, क्या ऑर्डर हमारा, स्विगी बोल दे भाई ये कार्ड, तो गाइज अब आप जरा वो थोड़ा सा ना दिख जाए, कलश के नाम पे ऑर्डर कर दिया ये देखो गाइज हमने मंगा दिया, देखो पूरा राशन मंगा दिया आपने महीने भर का, ये देखो गाइज हमने ये सब मंगा दिया गाइज, क्या करोगे देख के राशन ये है। तो गाइज अभी आज हम खुद खाना बनाएंगे गाइज, ठीक है गाइज, कुछ कमी दिखे तो कमेंट करके जरूर, हाँ गाइज देखो कुछ भूल गए हो ना हम, कुछ बता देना, हींग भूल गए, वैसे हींग यूज नहीं कर रहे हम, क्या ही करेंगे। चलो गाइज ये अपडेट था, राशन आएगा वो दिखाएंगे हम आपको आगे। एक और चीज़ हमारे यहाँ पे आरओ भी लगवा दिया ओनर ने, ये जो कैंपर हमने लिया था हमने सोचा अब इससे भर के अपने रूम में रख लिया करेंगे, बाकी किचन थोड़ा सा आने का आलस है ना वहाँ से यहाँ तक, इसलिए हमने कहा अपना कैंपर भी यूज़ हो जाएगा, और बाकी तो है ही, बाकी किचन में चलो ऑलमोस्ट सेट है, अपना राशन वगैरह आ गया है, आज खाना वाना बनाना शुरू करते हैं, किचन अपने पास है ही काफ़ी बड़ी, चिल सीम्स तो बस लेने गए हैं शायद वो दोनों नीचे, अबे आ गया वो पता नहीं गाइज, राशन भी आ गया, पहले गेट ऑन कर देते हैं। चलो गाइस ये तो बंद ही है, हाँ तो गाइस देखो मैंने ऑर्डर उठा लिया, और हमारे
अर्जुन भाई ने उठा लिया राशन। चलो गाइस आज से खाना बनाना शुरू। आज हम बना रहे हैं तहरी, जिसमें सोयाबीन भी डाली, सब कुछ डाला गाइस हमने, और बस थोड़ा सा एक हल्का सा ना एक टाइम के बाद जब भी मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगा। चल रहा गाइस इंडिया का मैच, इसका अपडेट क्या है बताओ। ये देखो गाइस क्या लगता है कौन जीतेगा आज, भारत। तो गाइस यही से रोहित शर्मा की चीज मिल गई। क्या 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 रोहित शर्मा की चीज मिल जाएगी अभी। तो गाइस बस उसमें ढक्कन लगाते हैं, सीटी वीटी लगाते हैं, तहरी बना रहे गाइस। तहरी मतलब पीले चावल, पीले चावल तो पता ही होंगे सबको, तहरी। हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है, ये रही हमारी तहरी। दही दिखाओ गाइस, इसको दही दिखाओ। हाँ गाइस ये रही दही, और सैलेड भी दिखाओ गाइस इसको। हाँ गाइस ये रहा सैलेड, और अर्चित भाई और हमारे साथ अर्जुन भाई ये खा रहे हैं। तो भी गाइस खाते हैं और मिलते हैं बाद में आपसे आगे। सो गाइस खाना हमारा डन, एंड फाइनली इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। एंड आई होप आपको मजा होगा, और अगर मजा आया होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।